Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Razia Nadeem with you again with interesting vlog. आज के vlog में आप लोगों के साथ में share करूँगी skin care, ठीक है ना? तो skin care की home remedy है और that's very great no doubt. और मैं पहले भी try कर चुकी हूँ तो इस बार सोचा कि अपने guys के साथ भी share करती हूँ. सबसे पहले हम लेते हैं बालों को catch ताकि ये बार बार बीच में आके drop ना करें, ठीक है ना? आगे से मैंने बनाया already. ओके और हमने क्या करने के घर में सिंपल मास्क बनाना है और ये मास्क जो है इसके लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके घर में मौजूद होते हैं, ठीक है? ये बहुत अच्छी बात है. और हमने सबसे पहले ले लेना है सिंपल फ्लोर. ये मैं पहले से ऐड कर चुकी हूँ, ठीक है? वन स्पून आपने सिंपल फ्लोर घर में ले लेना, अगर वो नहीं है तो आपका जो भी आप यूज़ करते हैं वो डालें. फिर हमने एलोवेरा 99% स्मूथली जेल जो है वो इसमें ऐड करनी है, वो भी एक स्पून ही ऐड करनी है. तो मैं ऐड करते हुए दिखा देती हूँ, ठीक है? तो हम इसमें ऐड कर डाल लेते हैं, ठीक है? अब मैंने जो है ये मेरे पास एक डॉक्टर रेशल वालों का सीरम है और मिनी सीरम है एंड दैट्स वेरी ग्रेट. ये नॉर्मली आप लोग विदाउट इसको किसी चीज़ में डाले बगैर भी यूज़ कर सकते हैं और किसी में ऐड करके भी यूज़ कर सकते हैं. मैं अभी ऐड करके यूज़ करूँगी. इसको हम ऐड करते हैं, देख सकते हैं. ठीक है, और हमने थोड़ा सा ले लेना है मिल्क. जो भी आप लोग घर में यूज़ करते हैं, मैं हम लोग नूरपुर का करते हैं तो उसमें मैं नूरपुर का ही डालूंगी. आप लोग कौन सी भी कंपनी का यूज़ करते हैं, इस तरह का भी करते हैं, आप लोग वो ऐड कीजिएगा. ये भी इसी तरह मैं वन स्पून ये हम ऐड करते हैं. इसको अब हमने क्या करना है कि मिक्स करना है. ये हमारी जो है थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए, जितना थिकनेस ज़्यादा अच्छी होगी उतनी अच्छा है. ठीक है, तब अपने फेस पे हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. अगर आपने आप जिस चीज़ से भी करना है एज यू विश, लेकिन मैं अपनी फिंगर्स से ही अप्लाई करूँगी अपने फेस पे. बस ये होना चाहिए कि उससे पहले आप अपने हैंड सही तरह से वॉश कर लें ताकि आपके इंग्लिश आपकी जो फिंगर्स हैं उसमें कोई भी जो है वो जम्स ना हो. ये आपके फेस को एक बात है कि स्मूथ बहुत ज्यादा कर देते हैं. मैंने एक पिछला व्लॉग डाला था, मेरा ये सेकंड व्लॉग है, तो आई होप आपने देखा होगा. अगर नहीं देखा तो मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में. तो यू गो एंड देखना उसे. ये जो होती है नोज़ की साइड्स इस तरफ एंड इस तरफ, राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड्स, उसके जो है वहाँ लगाना बहुत ज़रूरी होता है. नीचे भी मुझे ना मेरे सबसे पहले जो है बाजू साइड्स कर लेने चाहिए, पीछे कर लूँ मैं ताकि ये जो है ना बीच में ड्रॉप कट करेंगे. बीच में आठ बार बार लगते हैं तो ये डिस्ट्रॉप करते हैं. इसकी स्मेल इतनी गुड है, मुझे मज़ा आ रहा है. राइस फ्लोर की नहीं आती है उस तरह की आ रही है. ये जगह जो होती है फेस की, ये रेमेडी जो है ना बहुत अच्छी है और ये अक्सर ही हमारे घर में जो है हमारी मामा हमें लगाती हैं, करती हैं हमारे फेस पे अप्लाई. हमारे लग रहा है माशाल्लाह से, इतना छोटा होगा तो लगना तो है ना. अगर आपके आईब्रोज वगैरह पे लगती है नो इशू, दैट बाय द वे देखा जाए तो गुड है.
बिकॉज आईब्रो के जितने एरिया होगा वो भी अच्छा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। चाबी हम लगा रही हैं ऐसे, अगर अभी तक आपने जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जाके अभी कर दें, मजीद इसी तरह के अच्छे अच्छे से व्लॉग में लेकर आऊंगी। मेरे कुछ दिन पहले पेपर ख़त्म हुए हैं, मेरे हो रहे थे एग्जाम्स और पास हो गई। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फ्लोर और वो जो मैंने डॉक्टर रेशल का सीरम लगाया है वो बहुत हेल्प करेगा। जब आप लोग मेकअप रिमूव करें या फिर कई बंदा बाहर से आता है या फिर री होती हैं आप लोग फेस पे पिंपल वगैरह है तो आप लोग उसको ख़त्म करने के लिए इस तरह की रेमेडीज जो है यूज़ करें, सो इट विल बी मस्ट भी जो है ना आपके फेस को अच्छा कर देगा। यहाँ मेरे एक पिंपल आया है अभी, इसको मैं जो हूँ खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। ये लगाते जाओ ड्राई होता जाता है, तो अगर आपके पास ओवर है तो ड्राई होता जा रहा है आप मज़ीद लगाते थे ताकि ये इसको मतलब जो इसकी वो है ना असर देना है वो ख़त्म हो। टाइम राइटिंग आ मैं लोगों गैर बना रही हूँ। मेरे ख्याल से जितना फिंगर से इजीली लगता है और मेरे ख्याल से फ़ायदा भी होता है अगर आप अपने क्लीन एंड नीट हाथों से लगाएं। ओके तो इसे हम छोड़ देते हैं फॉर 15 मिनट के लिए और 15 मिनट तो जितने मिनट में जब ये ड्राई हो जाएगा ना फुल तब तक हम इसे छोड़ देते हैं एंड इट विल बी फुलिश ड्राई तो फिर हम इसको देखेंगे। इसके ऊपर मुझे लगता है कि मुझे जो है ना ये हेयर बैंड लगा लेने का फायदा नहीं हुआ वहीं पर ही ये बात पर जिस एरिया पे आंखों के हम लाइनर लगाते हैं उस एरिए में आप लोगों की मतलब सबकी कोशिश होनी चाहिए कि वहाँ मत हम ये इस तरह की चीज़ अप्लाई करें। सही रह गया था तो बस फिर हम इसे अब रब करना भी छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए लेफ्ट जो है ये आफ्टर 15 मिनट हम लोग जो है ना देखते हैं ये ड्राई हो जाएगा फिर हम इसे रिमूव करेंगे वॉश करेंगे फिर अपने फेस का जो रिजल्ट देखेंगे आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है ड्राई हो गया था फुलिश और इतना ड्राई हो जाना चाहिए कि आपका फेस मतलब बोल मत पाए। ठीक है और अभी इतना हो चुका हुआ था तो फिर मैंने जो है दोबारा इसके ऊपर मज़ीद जितना लफ था अब बॉल में उतना मैंने मज़ीद जो है अपने फेस पर अप्लाई कर लिए तो ये जब ड्राई होगा फिर हम अपना फेस वॉश करेंगे। यहाँ से ड्राई हो चुका हुआ तो देखें ज़रा ये उतर रहा है। ठीक है जी गाइस मैं वॉश करके अपना फेस आ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं। ठीक है इसकी स्मूथनेस अभी आप लोग एज यू विश आप लोग अगर तो विद द हेल्प ऑफ टिश्यू अपना फेस ड्राई करना चाहते हैं सो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग टॉवल से करना चाहते हैं तो एज यू विश मैं ये बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि वाकई इसने और मेरा जो पिंपल था वो भी कितना जो उस पर भी कितना फर्क पड़ा है। अब मैं सिंपल ओनली एंड ओनली एलोवेरा अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। ठीक है
हल्कि उसमें एलोवेरा ऐड थी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी, नॉर्मल सा ही लगाऊंगी। एज अ क्लीनिंग पर्पस हो रहे, तो आफ्टर 5 मिनट मैं जो हूँ इसको वॉश कर दूंगी। कि तो गाइस मैंने इसे भी जो है वॉश कर लिया है, क्योंकि बिल्कुल ड्राई हो गया था। 5 मिनट नहीं बल्कि 7 मिनट हो गए थे मेरे, मैंने इसे टॉवल की मदद से ड्राई कर लेती हूँ। ठीक है, सो मेरे ख्याल से दैट्स इनफ फॉर टुडे, एंड आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो एंड माई दिस स्किन ग्लो। क्योंकि बाकी मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मेरा फेस इससे बिल्कुल मतलब मैं इससे मेरे सामने शीशा भी लगा हुआ है, तो मैं अगर उसमें देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरा ये अपना फेस ही नहीं है। इट्स टू मच लुकिंग गुड एंड क्लीन एंड नीट एंड फाइन, बहुत ज़्यादा लग रहा है और शाइनेबल लग रहा है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल एंड दिस व्लॉग। सो बाय बाय, सी यू, टाटा, अल्लाह हाफिज़।